ये शंकर जी के मूर्ति का ये उठाई है। अगर हमार धन नाश, हमार पुत्र नाश, हमार पितृ नाश, मालिक जवन कहवा तौर करब हमार जीता जी। अब कहा कि जीता जी नो है, अब कहा लड़का हो आप पुराने बधाई को देता था पुराने ऐसे ऐसे हमारा समाज हो गया। यही से तो जा रहा है, कब हम करोगे, क्यों नहीं हुआ, प्रधान बताओ प्रमुख हुआ हमारे बता दे, मैं लड़ने का नजीर देता हूँ। आज से जब से कांगे का मोर बना हुआ, मैं 40-45 साल का बात आज कर रहा हूँ और मैं 40-45 के प्रधान हूँ और आज तक हूँ, किसी को होने नहीं दिया। ये जब से मैंने राजनीति शुरू किया हूँ, किसान से समझौता नहीं किया, आज तक मुझे क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जगे, बहुत हुआ मेरे आंदोलन के दबाने के लिए, हमारे आंदोलन को दबाने के लिए। पर प्रमुखी चुनाव जब आया मैं लग गया, अब अपनी पत्नी को लड़ा, एक ओर से हमके हरा दिए, हमने कहा रे साले ब्राह्मण ठाकुर भोजनी वाले क्यों हरा दिया रे, यही उस समय का गुस्सा था, आज का नहीं तो बात बता रहे पूछा था, मैंने कहा मारो भोजनी वालों को क्यों हरा दिया हमको, अंत में सात सात पाही के राजा सब जूता से पिटाने, लाठी झंडा इतना हुआ, पुलिस से आ गई और पुलिस के बचाव में 12 सिपाही 3 दरोगा एक सीओ की पिटाई हो गई, अंत में पुलिस को 100-150 भाई गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। 42 गवाह रखे गए ब्राह्मण ठाकुर ने, पुलिस वालों ने गवाह रखा और मैंने कह दिया कि अगर गवाह दे दिया, अगर गवाही दे दिया तो खैरियत नहीं होगा, हम तो देर से जा ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा जितना पक्का बना है सब डायनामाइट लगा के बयान कर देंगे, बता दे हिम्मत नहीं बड़ी किसी की कि कोई मेरे खिलाफ गवाही दे दे, तो मैं आज इस संघर्ष में पूरा अभी देख रहे अगली बार आया बला कर्म प्रधान को ही है, बला कर्म की सुरक्षित आया, मैंने सबको बुला लिया, ठाकुर बाबन सबको बुला रखा, ये जो चुनाव और नहीं चुनावे लड़के करोगे तो खैरियत नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ी, चाहे प्रेम से चाहे भय से, और हमको निर्विरोध बला कर्म चुना गया, हमने निर्विरोध हम बला कर्म को पूरा। तो साथियों मैं एक नजीर की तरह आपको बताता हूँ, अगर हमारा लड़का दारू पिए और हम दारू पी के लुटा रहे आपके कहीं दारू न पिए, हमारा लड़का अच्छा बच्चा न पढ़े रहे हम कहीं के आपके लड़का के पढ़ाव तो नहीं होगा, जब हम अपने के सुधरेंगे, अपने परिवार के सुधरेंगे, अब समाज को सुधारने की काम कर रहे हैं, ये दिन समाज अपने आप सुधर जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और नहीं सुधरेगा तो नहीं मिलेगा। 72 साल की आजादी हुआ, आजादी से जो आया गरीबी को उठाएंगे, गरीबी से मिटाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे, तो गरीबी नहीं मिटा बल्कि गरीब मिट गए, गरीब मिटते गए लेकिन गरीबी नहीं, तो कब होगा कैसे होगा इसका कल्याण हमें और आपको बैठकर समझना पड़ेगा।